नमस्कार बच्चों, कक्षा 9 के अध्याय संख्या 6 सॉरी अध्याय संख्या 5 में आपका स्वागत है। इस पाठ में क्या है, अपने जो आधुनिक विश्व के चरवाहे हैं यानी अंग्रेजों के समय का जो भारतीय इतिहास अपने पढ़ते हैं, उस समय के जो चरवाहा वर्ग के लोग हैं उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए कि वह जो लोग थे उनके बारे में क्या है, साहित्य इतिहास में या किसी विषय में चर्चा की जाती है। वो लोग क्या है, एक समाज के अलग भाग के रूप में रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्या है समाज का हिस्सा नहीं माना जाता है, उनको समाज से अलग थलग करके रखा जाता है, उनको किसी भी प्रकार की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तभी अपने देखेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाती है तो उस समय अपने क्या है कृषि की, उद्योगों की, इन सब की बात कर लेते हैं। अगर सामाजिक वर्गों की बात की जाती है तो किसानों की, मजदूरों की, कारीगरों की, इनकी बातें अवश्य की जाती हैं। लेकिन जो चरवाहा वर्ग के लोग हैं, घुमंतू जाति के लोग हैं, जो अपना जीवन पशुओं के जरिए अपने जीवन का गुजारा करते हैं, सामूहिक रूप से उनको घूमना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह उनको जाना पड़ता है, उनके बारे में या उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी आजीविका, उनके जीवन के बारे में कभी भी चर्चा नहीं की जाती है। नॉर्मली अपने देखते हैं कि खेती के बारे में पढ़ ली जाता है इतिहास में कि उस समय खेती की व्यवस्था कैसी थी, या इतिहास में अपने पढ़ लेते हैं कि औद्योगिक व्यवस्था कैसी थी, या फिर राजा कैसा था, प्रशासन कैसा था, या वहाँ के कारीगर कैसे थे, वहाँ के शिल्पकार कैसे थे, ये सब चीज़ें अपने पढ़ते आए हैं। लेकिन कभी भी क्या है किसी भी समय के चरवाहों के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया, उनके सामने क्या समस्याएं थी, उनका जीवन ऐसा क्यों है, वो एक निश्चित जगह पर रहकर क्यों नहीं अपना जीवन गुजारा करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, और उनको क्या है उनकी इन चीज़ों के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि इतिहास क्या है, समाज के सभी भागों का इतिहास होना जरूरी होता है। सभी लोग क्या है एक प्रकार से अपने अलग प्रकार से क्या है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो चलिए अपने इस चैप्टर में क्या है शुरू करते हैं उन लोगों के इतिहास को पढ़ना, जिसमें क्या है जो लोग घुमंतू प्रजाति के होते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए एक मौसम में एक जगह, दूसरे मौसम में दूसरी जगह, अपने पशुओं के साथ उनको पालकर, उनको बेचकर, उनके उत्पादों को बेचकर गुजारा करते हैं, उनको मजबूरी में क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। ये जो चैप्टर है ये उन्हीं आधुनिक विश्व के चरवाहों के बारे में है। आधुनिक विश्व का मतलब यहाँ पर यह रहेगा कि अंग्रेजों के आने से पूर्व उनकी स्थिति कैसी थी, और अंग्रेजों के आने के बाद जो औपनिवेशिक शासन शुरू हुआ था भारत में और अफ्रीका में, वहाँ पर औपनिवेशिक शासन शुरू होने के बाद इन चरवाहों की स्थिति में कैसे बदलाव आए, किस प्रकार से इन्होंने जीवन में जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेज के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का वह रहेगा घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। यानी इस पॉइंट में अपने घुमंतू प्रकार के जो चरवाहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्या है भ्रमण के द्वारा साल के समय को गुजारते हैं, कुछ महीने जो गर्मी के महीने होते हैं उस समय किसी अन्य क्षेत्र में, और सर्दी के महीनों में किसी अन्य क्षेत्र में रहते हैं। बारिश के मौसम में इनको स्थान बदलना पड़ता है, और जब सर्दी पड़ती है तब ये अपने दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो घुमंतू प्रजाति के चरवाहे होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी आवाजाही के बारे में पढ़ेंगे, यानी वो किस हिसाब से, किस मौसम के अनुसार कौन से क्षेत्र में जाते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। इनके बारे में सबसे पहले अपने पढ़ेंगे पहाड़ों में, जो पहाड़ों में इस प्रकार के रहते हैं चरवाहा वर्ग उनके बारे में। देखिए पहाड़ों में जो सबसे पहली जाति जिसके बारे में अपने पढ़ेंगे वह होगी गुज्जर बकरवाल। सबसे पहले अपने अध्ययन करेंगे गुज्जर बकरवाल के बारे में। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग क्या हैं, भेड़ बकरियों को के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, यानी
इनके पालतू पशु जो होते हैं वह भेड़ और बकरियां होते हैं, बड़े मवेशी नहीं होते। ऊँट वगैरह, ऊँट तो क्या है पहाड़ों में यूज में नहीं लिए जाते। इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, ठीक है। यानी इनके भ्रमण का कारण क्या है, चारागाह की तलाश में भटकते रहते हैं, ठीक है। अब चारागाह है, पशुओं को चाहिए होता है, इनको तो चारागाह चाहिए नहीं होता है। तो इन यह क्या है उस पशुओं के लिए चारागाह ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं। 19वीं सदी में क्या है ये भटकते भटकते अपने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आके बसे थे, ठीक है। यानी गुज्जर बकरवाल कहाँ की प्रजाति रहेगी है, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। भटकते भटकते क्या है वहाँ पहुँचे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया ये क्या है उसी क्षेत्र के होके रह गए, क्योंकि वहीं पर उनको क्या है अपनी जानवरों की ज़रूरतों के लिए समय अनुसार चीज़ें उपलब्ध होने लगी थी। तो बाद में क्या है ये सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चारागाहों में जाना इनको पड़ता है। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियों में बर्फ से ढक जाती है तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डालते हैं। सर्दी में यह क्या करते हैं, शिवालिक श्रेणी की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक पहाड़ियों, ये जो शिवालिक पहाड़ियां हैं, ठीक है, तो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर सर्दियों में इनका जो भ्रमण का स्थान रहता है जहाँ ये अपने जानवरों को लेकर चलते हैं वो है शिवालिक की निचली पहाड़ियाँ। उसके बाद जो क्या है जाड़ों में निचले इलाकों में चले जाते हैं और उनके जानवरों के लिए वहाँ चारा भी इनको मिल जाता है, क्योंकि ऊंची पहाड़ियों पर तो क्या होता है बर्फ जम जाती है जिसके कारण वहाँ वनस्पति पैदा नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ इनको वनस्पति मिल जाती है। और फिर बाद में क्या है अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते हैं, ठीक है। सर्दी के अंतिम दिनों में यानी अप्रैल के अंत में क्या करते हैं उत्तर और उत्तर दिशा में जाने लगते हैं, में उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान, उत्तर दिशा की तरफ इनके द्वारा क्या किया जाता है प्रस्थान किया जाता है। जब यह क्या करते हैं सर्दी के अंतिम दिनों में चलने लग जाते हैं उत्तर दिशा की तरफ और गर्मियों में चारागाहों के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। यानी गर्मियों उत्तर दिशा की पहाड़ियों में उत्तर दिशा की पहाड़ियों में ये पहुँच जाते हैं, वहाँ इनको चारागाह मिल जाता है। इस सफ़र में कई परिवार क्या है एक साथ काफिला बनाकर चलते हैं। वे पीर पंजाल के दरों को पार करते हुए कश्मीर घाटी में पहुँच जाते हैं, ठीक है। यानी पीर पंजाल की दरों को
पार करके कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं। इसके बाद क्या है, वहाँ इनको क्या है, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है, बर्फ़ की जमी हुई चादर पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में उगने वाली तरह तरह की घासें मवेशियों का पेट भी भर जाता है और सेहतमंद खुराक भी मिल जाती है। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं और वे इस बार वापस जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते हैं। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों में शरण ले लेते हैं। यानी यह तो गर्मियों के लिए है। ठीक है, गर्मियों में क्या करते हैं, पीर पंजाल की दर्रों को क्रॉस करके कश्मीर घाटी में पहुंच जाते हैं। वहां इनको बर्फ़ पिघली हुई मिलती है और बर्फ़ पिघलने के कारण जो नमी वहां होती है उसके कारण अच्छी वनस्पति वहां पैदा होती है, जिससे जानवरों को क्या है, भरपूर खुराक मिलती है। और गर्मियों में क्या है, ये स्थान पर रहते हैं। सर्दियों में दोबारा फिर से वो शिवालिक की निचली पहाड़ियों में पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो यह रहता है गुज्जर बकरवाल जाति का भ्रमण काल सिस्टम। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर की है, भेड़ बकरियों के रेवड़ रखते हैं और चारागाह की तलाश में क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। सर्दी में कहाँ जाते हैं, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। गर्मियों में पीर पंजाल की दर्रों को पार करके कश्मीर घाटी में पहुँचते हैं। ठीक है, तो यह इनका सिस्टम रहता है। अप्रैल के अंत में यह क्या है, उत्तर दिशा की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं, यानी कश्मीर घाटी की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अपने जो चर्चा करेंगे वह होगा जो एक और समुदाय है वहाँ का, जिसको कहते हैं गद्दी। गद्दी यह क्या है, ऐसा ही पहाड़ों का समुदाय है। हिमाचल प्रदेश के इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। यानी यह कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश। यह प्रजाति पाई जाती है। ये लोग भी क्या करते हैं, मौसमी उतार चढ़ाव करने का सामना करने के लिए इसी तरह सर्दी गर्मी के हिसाब से जगह बदलते हैं। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में मवेशियों के जाड़ों मवेशियों को क्या है, झाड़ियाँ चराने के लिए लाते हैं। यानी सर्दी में तो क्या है, उनका भी सिस्टम क्या रहता है, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। ठीक है, कंटीली झाड़ियाँ मिल जाती हैं पशुओं के लिए। ठीक है, और अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं। पूर्वी गर्मियों में लाहौल और स्पीति में बिताते हैं, पूरी गर्मी यानी गर्मी यह बिताते हैं लाहौल और स्पीति में, लाहौल व स्पीति। ठीक है, लाहौल विलाकुवत, तो वो लाहौल जो क्षेत्र है वो यही है, स्पीति और लाहौल में बिताते हैं। जब अगर बर्फ़ पिघलती है तो ऊंचे दर्रे खुल जाते हैं, उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ों में स्थित घास के मैदान पर जा पहुंचते हैं। सितंबर में भी दोबारा वापस चल पड़ते हैं। वापसी में लाहौल और स्पीति के गाँव में एक बार फिर से कुछ समय के लिए रुकते हैं। इस बीच में गर्मियों की फसलें काटते हैं और सर्दियों की फसलों की बुआई करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ वे अपने रेवड़ लेकर शिवालिक की पहाड़ियों के जाड़ों वाले चारागाहों में चले जाते हैं। अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर दोबारा गर्मियों में
के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। यानी यह तो सिस्टम रहता है इनका, मई से सितंबर, ठीक है, और यह रहता है अक्टूबर से अप्रैल, ठीक है, अक्टूबर से अप्रैल, यानी ये जो सर्दी का समय होता है, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, अक्टूबर से अप्रैल, और सर्दी का समय तो बिताते हैं शिवालिक की निचली पहाड़ियों में मई से सितंबर, यानी जो गर्मी का समय है वह बिताते हैं लाहौल व स्पीति के गांव में, ठीक है। तो यह है इनका क्या है, भ्रमण काल रहता है। अब बात करते हैं पूर्वी क्षेत्रों की, ठीक है, जहाँ क्या है, गढ़वाल और कुमाऊँ के गुज्जर चरवाहे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। गढ़वाल और कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ प्रकार के जो चरवाहे हैं या गुज्जर चरवाहे हैं, ठीक है, गुज्जर चरवाहे, ये क्या करते हैं, सर्दियों में तो भाबर के सूखे जंगलों की तरफ चलते हैं, सर्दी तो बीतती है भाबर के सूखे जंगलों में, और गर्मी का समय जो है इनका वह बीतता है ऊपरी घास के मैदान बुग्याल, ऊपरी घास के मैदान में, ठीक है। सर्दी बिताते हैं भाबर के सूखे जंगलों में, और बुग्याल यानी ऊपरी घास के मैदानों में गर्मी बिताते हैं। तो ये जो दो नाम आए हैं, भाबर और बुग्याल, इनका डिस्कशन बता देता हूँ आपको। गढ़वाल और कुमाऊँ के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क व सूखे जंगलों का इलाका, ठीक है, यानी यहाँ जहाँ ये प्रजाति निवास करती है वहाँ जो सूखे जंगल पाए जाते हैं ना, सूखे जंगल, उसे तो बोलते हैं भाबर का क्षेत्र, और जहाँ ऊपर या ऊपरी घास के मैदान जो हैं ऊंचे पहाड़ों में, ऊपर ऊंचे घास के मैदानों में मैदान पाए जाते हैं, उनको बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। तो यह सिस्टम रहता है। तो ये क्या है, सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारागाह बदलते रहने का चलन हिमाचल के पर्वतों में चलने वाले बहुत सारे चरवाहा समुदायों में दिखाई देता है। यानी सिर्फ यही नहीं है, जो अन्य प्रकार के चरवाहे हैं वह भी क्या है, सर्दी गर्मी के हिसाब से बदलते रहते हैं, जैसे भोटिया शेरपा, या इसके अलावा किन्नौरी, ये समुदाय भी क्या करते हैं, मौसमिक आवाजाही ये स्थान बदलते रहते हैं,
क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है, गर्मी सर्दी में क्या है, डिफरेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या है, इनको मौसम के हिसाब से प्रस्थान करना पड़ता है, अपने स्थानों में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। ठीक है, तो यह सिस्टम इनके कारण रहता है। इसके अलावा ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को डालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चारागाहों के बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चारागाह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी या इस्तेमाल करने का समय पूरा हो जाता था तो यह क्या है, दूसरे चरवाहा के पास, सॉरी चरवाहा क्षेत्र के पास चले जाते थे, जिससे क्या है, किसी एक क्षेत्र का अधिक यूज ना हो। मतलब कहने का यह है कि एक ही जगह रहेगा तो क्या है, उसी का यूज़ करता रहेगा, तो उस चीज़ का क्या है, यूज़ की अति हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगा, तो जिसके कारण वहाँ वनस्पति को उगने का समय ही नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा उसका यूज़ किया जाता रहेगा। ठीक है, तो जिसके कारण इनके जो मौसमिक बदलाव रहता है, आवाजाही रहती है, इसके कारण क्या होता है, एक स्थान को क्या है, दोबारा से ग्रो करने का मौका मिल जाता है, दोबारा से वहाँ वनस्पति पैदा होने का समय उस क्षेत्र को मिल जाता है, हरियाली और ज़िंदगी वापस लौट आने का जो क्षेत्र वहाँ सिस्टम है वो वहाँ पर मिलता रहता है। तो यह तो बात थी पहाड़ों की। पहाड़ों में क्या है, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वह पढ़ा है, एक तो गुज्जर बकरवाल या फिर गद्दी समुदाय या फिर जो ये है गढ़वाल और कुमाऊँ, गढ़वाल और कुमाऊँ गुज्जर या फिर इनके अलावा भोटिया शेरपा किन्नौरी, ये सारे समुदाय क्या हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के हैं। इसके अलावा सिर्फ क्या है, ऐसा नहीं है कि चरवाहे जो हैं, ये जो चरवाहों का काम करते हैं, जो आधुनिक विश्व के चरवाहों में अपने पढ़ रहे हैं, जिन चरवाहों के बारे में, घुमंतू चरवाहों के बारे में, वो घुमंतू चरवाहे सिर्फ क्या है पहाड़ों में नहीं मिलते हैं, इनके अलग अलग और भी क्षेत्र होते हैं, ये देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। इसीलिए अपने क्या है, पठारों मैदानों और रेगिस्तानों के जो मुख्य चरवाहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो यह पहाड़ों वाले थे सारे के सारे, भोटिया शेरपा किन्नौरी या गुज्जर बकरवाल गद्दी गढ़वाल कुमाऊँ गुज्जर, ये सारे के सारे क्या हैं, पहाड़ी क्षेत्र के घुमंतू चरवाहे हैं। अभी अपने पढ़ेंगे पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में, पठारों मैदानों और रेगिस्तानों में। तो घुमंतू प्रकार के चरवाहे क्या है, सिर्फ पहाड़ों में नहीं मिलते हैं, वो पठारी क्षेत्रों में भी रहते हैं, निवास करते हैं, मैदानों में भी और रेगिस्तानों में भी। तो चलिए शुरू करते हैं धंगर चरवाहों के बारे में बात। धंगर कहाँ पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। धंगर प्रजाति के जो चरवाहे हैं वो महाराष्ट्र में जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में समुदाय की आबादी लगभग 467,000 थी। आबादी 20वीं सदी की शुरुआत में 467,000 यह है इनका आबादी क्षेत्र था। उनमें से ज़्यादातर गडरिये या चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, यानी इनके दो बिजनेस हैं, एक तो यह रहता है गडरिये या चरवाहे और दूसरा कंबल बुनना या कंबल बनाने का कार्य, कंबल और चादरें बनाना। ठीक है, यह दो प्रकार बिजनेस इनके
आमतौर पर देखे जाते हैं। तो दंगर गडरिये बरसात के दिनों में तो महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते हैं, ठीक है। अब देखो पहाड़ों में तो क्या था, सर्दी और गर्मी के कारण उन्होंने क्या है मौसमिक बदलाव किया था, या फिर मौसमिक भ्रमण किया था, बदलाव किया था अपने स्थान में रहने का। लेकिन जो पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है ना, या रेगिस्तानी क्षेत्र है, इनमें थोड़ा सा नियम चेंज हो जाता है। वो नियम चेंज क्या रहता है, इसमें नियम चेंज ये रहता है कि ये लोग सर्दी गर्मी के अनुसार अपने स्थान का भ्रमण नहीं करते हैं या चेंज नहीं करते हैं उसको, प्रस्थान नहीं करते हैं। इनमें क्या है बरसात के दिनों में और बिना बरसात के दिनों में क्या है ये स्थान को बदलते हैं। जैसे क्या है, ये जो दंगर प्रजाति के लोग हैं, ठीक है, वर्षा के समय ये क्या करते हैं, महाराष्ट्र के मध्य पठारी पठारों में रहते हैं। महाराष्ट्र के मध्य पठारी भाग में निवास करते हैं, ठीक है। वर्षा के समय तो यह रहता है इनका, जहाँ पर क्या है यह एक अर्धशुष्क इलाका है और बारिश बहुत कम होती है और मिट्टी खास उपजाऊ नहीं है। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता है। मानसून में यह पट्टी दंगरों के जंगलों के लिए एक विशाल चारागाह बनती है, ठीक है। यानी मानसून के समय तो क्या है यह बड़े चारागाह के रूप में उनके लिए यूजफुल रहती है। लेकिन जैसे ही क्या है मानसून चला जाता है, बारिश नहीं होती है, यानी अक्टूबर के आसपास दंगर बाजरे की कटाई करते हैं और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के मध्य भाग में ये रहते हैं, मध्य पठारी भाग में, और उसके बाद कहाँ चल पड़ते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में चल पड़ते हैं, ठीक है। यानी समुद्र तटीय क्षेत्र में चल पड़ते हैं अक्टूबर के बाद, ठीक है। कहाँ चल पड़ते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में की तरफ प्रस्थान शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, करीब महीने भर पैदल चल करने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के क्षेत्र में जाकर डेरा लगाते हैं, ठीक है। और कहाँ पहुँचते हैं ये, कोंकण में। यानी जब वहाँ बारिश नहीं होती है मध्य पठारी भाग में, बारिश का समय चला जाता है, तो ये कोंकण क्षेत्र में चले जाते हैं, जहाँ क्या है अच्छी बारिश होती है और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत यहाँ खेती के खूब इलाके होते हैं। कोंकणी किसान भी इन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, कोंकणी किसानों को उस समय खरीफ की फसल काटनी होती है और रबी की फसल उनको लगानी होती है। तो इस क्षेत्र में क्या करते हैं, जब वो फसल का जो कचरा बचता है ना काटने के बाद, उसको क्या है ये दंगर प्रजाति के जो पशु होते हैं वो उसको खाते हैं, जिससे क्या है खेत साफ हो जाता है। और खाते खाते क्या है जो उनका अपशिष्ट निकलता है मवेशियों का, उससे क्या है खेत को खाद प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण क्या है किसानों की ज़रूरतें भी एक प्रकार से पूरी होती हैं और इन दंगर प्रजाति के मवेशियों की भी ज़रूरतें पूरी होती हैं। साथ ही साथ क्या है वहाँ के किसान इनका स्वागत अच्छे से करते हैं, इनको चावल वगैरह देते हैं, क्योंकि पता होता है दंगर कोंकण के किसानों को, क्योंकि ये जो क्षेत्र है मध्य पठारी भाग यह क्या है उपजाऊ नहीं है। तो दंगरों में मवेशी खरीफ की कटाई करते हैं और रह गई गुंठों को खाते हैं और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती है। कोंकणी किसान भी क्या है इनका स्वागत करते हैं। जब मानसून दोबारा से शुरू होता है तब यह वापस से क्या करते हैं अपना प्रस्थान मध्य पठारी भाग में कर देते हैं, क्योंकि मवेशियों के लिए ये जो भेड़ बकरियाँ वगैरह रखते हैं इनके लिए बारिश का मौसम ठीक नहीं रहता है। नेक्स्ट, धन्यवाद।